आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और मैं हूं आपके साथ विकास। मध्य प्रदेश के गुना में दलित किसान के साथ हुई बर्बरता के मामले ने राजनीतिक तुल पकड़ लिया है। मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। विपक्ष ने सरकार के घेरने के साथ साथ अब सड़कों पर भी उतरकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। गुना में दलित किसान कांड को लेकर आज राजगढ़ में युवक कांग्रेस ने प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पुतला फूंका है। युवक कांग्रेस ने कहा कि गुना में दलित किसान के साथ बर्बरता ने पूरे प्रदेश को शर्मिंदा और शर्मसार कर दिया है, जिसके विरोध में आज युवक कांग्रेस राजगढ़ के पचोर नगर में गृह मंत्री का पुतला दहन कर रही है। हम आपको बता दें कि मामले के तुल पकड़ने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने गुना कलेक्टर सहित SP का तबादला कर दिया है और मामले की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दिए हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे हो लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे हो लड़ाई है। चोर जुल्म की टक्कर में यह हमारा नारा है। राजा साहब जिंदाबाद, प्रॉपर्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। अत्याचार हुआ है स्वतंत्र भारत में, सभी लोग स्वतंत्र हैं। इस तरह के अत्याचार मैं देख रही हूँ कि जब भी भाजपा की सरकार आती है और जो हरिजन गरीब दलित लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन पर लगातार अत्याचार होते हैं। इनकी पॉलिसी ही यही है, वो शर्मिंदगी की बात है और दुखद है। इस तरह से नहीं होना चाहिए, हम सब इसका विरोध करते हैं। जनता पार्टी की सरकार में गरीब मजदूर हरिजन सामान्य वर्ग सभी परेशान हैं और कांग्रेस पार्टी इसका डटकर सामना करेगी, विरोध करेगी। अगर वो अत्याचार करते हैं तो हम लोग विरोध करने के लिए हरदम तैयार रहेंगे।